मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तूरमुला स्थित माता खीर भवानी मंदिर में 2 साल के बाद आज मेले का आयोजन हो रहा है। कोरोना के कारण वर्ष 2020 व 21 में मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का हार पहनाकर स्वागत किया। श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर तूरमुला गांव में प्रत्येक वर्ष जेठ माह की अष्टमी पर यहां प्राचीन काल से मेला लगता आया है। घाटी में हाल ही में लगातार हुई लक्षित हत्याओं के बीच भय के कारण कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के इस बारे में आने की आशंका थी, इसलिए यहाँ आने वाले की संख्या पहले की तुलना में कम है। परंतु जो लोग यहां पहुंचे उनका स्थानीय लोग खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल का संदेश देश दुनिया में फैलेगा। भाजपा के प्रदेश संगठन महासचिव अशोक कौल भी तूरमुला में माता के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी भी श्रद्धालुओं को यहां आना जारी है, दोपहर तक और भी भक्त यहां आ सकते हैं। देश भर से कश्मीरी पंडित भी यहां पहुंच रहे हैं। माता खीर भवानी का मंदिर जम्मू के जानीपुर में भी स्थित है। बुधवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। बुधवार तड़के ही यहाँ श्रद्धालु पहुँचना शुरू कर चुके हैं। एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि जो लोग किसी कारण से गांदरबल नहीं जा सके वे जम्मू में माता के मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू में एक और कश्मीर में 5 मंदिरों में खीर भवानी मेलों का आयोजन किया जाता है। जम्मू के जानीपुर कश्मीर संभाग के गांदरबल के तूरमुला में, कुलगाम के मंजगाम में व देवसर में और अनंतनाग के लोंगरीपोरा और कुफाड़ा के टिक्कर में रागनी भगवती मंदिर में मेले का आयोजन होता है। इनमें से विशाल चिनार के पेड़ों की छाया में बसे तूरमुला के खीर भवानी मंदिर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडित माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं।